अस्सलामुअलैकुम अल्फा गार्डन्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कैक्टस की ग्राफ्टिंग हो रही है और कुछ कैक्टस यहाँ पे हम ग्राफ्ट भी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ग्राफ्टिंग के हवाले से थोड़ी गाइडलाइन दे दी जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैक्टस के ख़ुद ग्राफ्ट तैयार करना चाहते हैं और डिफरेंट वराइटीज़ हैं, तो वो कैसे ग्राफ्ट करें। और ग्राफ्टिंग के लिए जो दो मेन रीज़न है वो ये होती है कि एक तो आप अगर पौधे को बहुत जल्दी तैयार करना चाहते हैं, नॉर्मली कैक्टस जो है वो ग्रो करने में बहुत ज़्यादा अरसा लगाता है। अगर आप एक बच्चा छोटा या बीज से ग्रोथ करते हैं कैक्टस की, तो वो 10 साल में जाके फ्लावरिंग पे और अपनी वो शेप बनाता है जिसको आप देख सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं। और इस चीज़ को कवर करने के लिए ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग करने से जो ग्रोथ आपकी 10 साल में आपको मिलनी है कैक्टस की, वही ग्रोथ आपको 2 से 3 साल में मिल जाएगी और पौधा जो है वो फूलों पे आ जाएगा। सबसे मेन रीज़न तो ये होती है। और दूसरी रीज़न ये है कि आपके पास कैक्टस है, कोई रेयर वैरायटी है, जैसे मेरे पास ये मंकी टेल पड़ा हुआ है। ये अभी पाकिस्तान में इतना आम नहीं है और ये थोड़ा कॉस्टली है, कीमत इसकी बाकी कैक्टस की नस्बत ज़्यादा है। तो इसको ग्रोथ करने का, बढ़ाने का तरीकाकार भी यही है कि इससे हम ग्राफ्ट कर लें, क्योंकि अगर हम इसे शाख को लगाएंगे और शाख जो है उसको हम तैयार करते हैं ज़मीन में लगा के, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी एक बड़ा पौधा बनने में। जबकि यही ग्रोथ अगर हम ग्राफ्टिंग कर देंगे इसकी, तो ये 2 से 3 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगा। तो ये दो मेन रीज़न है जिनकी वजह से ग्राफ्ट किया जाता है। मंकी टेल के कुछ ग्राफ्ट किए हैं, कुछ पीसीज हैं सेंटर कट करके उनको तैयार किया है, और कुछ इधर मेरे पास मौजूद हैं मून कैक्टस कहते हैं जिन्हें, कलर्ड कैक्टस हैं ये सारे। अब आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा ग्राफ्टिंग की कैसे जाती है, आप गौर से इसे देखें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी कैक्टस की कलेक्शन बढ़ाने में। सबसे पहले तो आप स्टॉक की तैयारी करेंगे, और स्टॉक की तैयारी के लिए आपके पास एक कटर होना चाहिए। स्टॉक आपके पास हो हेल्दी, ग्रीन, बीमारी से पाक हो, सॉफ्ट हो और हार्ड वुड ना हो। इसमें ये एक मेरे पास स्टिक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वुड है इसकी, ये मुझे सईद भाई कटर दीजिएगा। आज हमारे साथ सईद भाई हैं, जाहिद भाई हैं, ये हेल्प करवा रहे हैं ग्राफ्टिंग में। ये आप देख रहे होंगे बड़ा हार्ड कटिंग हो रही है इसकी ना, और ये इसके सेंटर में हार्ड वुड है। अगर मैं इसको ये पेपर कटर ले लें जो शार्प हो, कुछ लोग सर्जिकल ब्लेड भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर कटर ले लें, सर्जिकल ब्लेड ले लें, या कोई भी ऐसा आप चाकू लें जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि इसमें टेक्निक मेन ये है कि आपने जो भी काटना है सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है आप अपने हाथ ना काट लें। जो भी ब्लेड हो वो काटे बिल्कुल स्मूथ, और काटते हुए वो स्टिक ना हो, क्योंकि जब वो स्टिक होगा तो वो ग्राफ्ट को या नीचे स्टॉक को डैमेज कर देगा, जिससे आपका ग्राफ्ट कामयाब नहीं होगा। अब ये जो मेरे पास हार्डवुड वाली एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली स्टिक आपने हरगिज़ नहीं यूज़ करनी, इस पर ना ग्राफ्ट होगा ना कामयाब होगा। ये अगर आपके पास आ जाती है तो इसको आप गमले में लगा दें, ज़मीन में लगा दें, और इससे फिर आप फर्दर ईयर्स जो हैं अगले सालों में आप जाके इसमें से आप सॉफ्ट वुड वाले ले लेते हैं पीसेज। अब ये हार्ड वुड है जो इस स्टॉक के अंदर है, इसके ऊपर ग्राफ्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ मेरे पास ये मौजूद है, ये ताज़ा और सॉफ्ट होने के साथ साथ जूसी लाजमी है। अगर ड्राई होगा, इसमें कुछ मेरे पास ऐसे पीसीज हैं जो कि थोड़े ड्राई हैं। एक चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि बीमारी वाला ना हो। सबसे ज़्यादा स्केल का अटैक होता है कैक्टस के ऊपर, अगर स्केल वाला है कैक्टस आपके पास तो उसको आप फेंक दें, डंप कर दें, उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्केल की बीमारी आपके बाकी पौधों में भी फैल जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप कोई भी अल्कोहल के स्वैब मिलते हैं मार्केट से वो ले लें, आप ब्लेड अपना हर दफ़ा जो है वो क्लीन करें। उससे सबसे अहम चीज़ ये है कि डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती एक पौधे से दूसरे पौधे में। हमारे यहाँ नॉर्मली समझा ये जाता है कि पौधों में बीमारियाँ ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन ये भी जानदार हैं, और जिस तरह इंसानों में बीमारियाँ एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इसी तरह पौधों की बीमारियाँ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सबसे पहले आपने स्टॉक तैयार कर लेना है, उस पर आपने कट लगाना है, स्ट्रेट कट हो, और चारों साइडों से आपने इसको क्लीन कर लेना है।
कट बिल्कुल स्ट्रेट हो, और ज़्यादा देर आपने स्टॉक को रखना नहीं है कट लगा के, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया तो फिर ग्राफ्टिंग इसकी कामयाब नहीं होगी। जो ग्राफ्ट करना है उसमें भी स्ट्रेट कट हो, और दोनों को आप थोड़ा सा रगड़ लेंगे, उससे ये होगा कि इनके दरमियान ना एक जो इन दोनों की गम है उसे ये चिपक जाएंगे अच्छी तरह। इसको आपने रेडी कर लिया है, इसके बाद फिर इसको लगाने के लिए दो से तीन तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो धागा लपेटा जाता है, जैसे सईद भाई लपेट रहे हैं या जाहिद भाई धागे के साथ काम कर रहे हैं। बाज़ लोग टेप लगाते हैं, बाज़ लोग ये करते हैं कि सबसे पहले स्टॉक को काटते हैं, काटने के बाद उसको रूट करवाते हैं और इस तरह के छोटे गमलों में स्टॉक को लगा लेते हैं। जब ये रूट हो जाता है फिर उसको ऊपर से गमले से निकाले बगैर इसको ऊपर से काटते हैं, इसके ऊपर वैरायटी जो ग्राफ्ट करनी है वो लगाते हैं, ग्राफ्ट रखते हैं इसके ऊपर, और जो पॉट के अंदर पौधा लगा होता है और उसके ऊपर फिर रबड़ बैंड लगा देते हैं। ग्राफ्टिंग की टेक्निक जो है सबसे अहम ये होता है कि आपके पास जो पीस है, पौधा है जिसको आपने ग्राफ्ट करना है उसको, और जो आपका जो स्टेम है, स्टेम के सेंटर में सायोन होता है, वो आपने लाजमी जो है उसको, ये गोल आपको सेंटर में सर्कल नज़र आएगा, इस सर्कल को आपने और इसके साथ जो आप ऊपर ग्राफ्ट कर रहे हैं वैरायटी, इन दोनों को अलाइन करना है। ये इन दोनों को जब आप अलाइन कर लेंगे आपका कैक्टस का जो ग्राफ्ट है वो कामयाब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, टेम्परेचर बहुत अहम होता है, उसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत अहम होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम ह्यूमिडिटी भी नुकसान देती है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नुकसान देती है। तो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 30 और जो ह्यूमिडिटी है वो 40 तक होनी चाहिए, आपका ग्राफ्ट बेहतरीन होगा। अब ये एक कलर्ड हमारे पास ग्राफ्ट तैयार हो चुका है, और 10 से 15 दिनों में ये ग्राफ्ट जुड़ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिए, और हमारी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी मालूमती वीडियोस लेकर आते रहें। तब तक के लिए अल्फ़ा गार्डन से वकाज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।